साथियों, आज के वीडियो में सामाजिक संबंधों में सबसे अधिक कंट्रोवर्शियल या चर्चित संबंध के विषय में चर्चा करूंगा। सास बहू के संबंध के विषय में बहू की सास से क्यों नहीं बनती है या क्या करें कि हर सास हर बहू एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन सकें। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है सामाजिक संबंधों में सबसे अधिक कंट्रोवर्शियल या सबसे अधिक चर्चित या सबसे अधिक बेकार या बिगड़ा हुआ, यानी जो बहुत कम मात्रा में अच्छा देखने को मिलता है, ऐसे संबंध के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और इस ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को वास्तविक मन लगा के देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी ये समस्या, खासकर बेटियों की समस्या, दूर हो जाएगी। कारण ये होता है कि अक्सर बेटियां अपनी माँ से उनकी सास के बारे में जो चर्चाएं सुनती हैं, उन्हें किस तरीके से परेशान किया है, किस तरीके की बातें करती थी, क्या करती थी, क्या करती हैं, तो वो सब दिमाग में उनके फीड होता है। दूसरा, समाज से आने वाली अधिकांशतः जो चर्चाएं होती हैं वो इस संबंध को लेके बहुत ही नेगेटिव होती हैं। तीसरा, फिल्मों में भी एक बहुत क्रूअल सास को दिखाया जाता है। तो प्रत्येक बेटी जब अपने ससुराल जाती है तो पहले से पूर्वाग्रह ग्रस्त होती है कि सास मतलब एक क्रूअल पर्सनालिटी जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, मेरे कामों में कमी निकालेगी और मुझे मेरे पति से दूर रखेगी। इस यानी बहुत सी काल्पनिक मनगणंत बातें लेके जब वो पहुंचती है। पिछले दिनों प्रयागराज मेरा जाना हुआ और उधर जो गंगा कावेरी ट्रेन थी उधर उसमें हम लोग आने वाले थे, उसमें रिजर्वेशन था। तो जैसे ही स्टेशन से हम लोग निकले और थोड़ी देर बाद एक माँ हाँपते डूबते आई और हमारी सीट पे बैठ गई। तो हमने उनसे कहा, माता जी हमारा इसमें रिजर्वेशन है, आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। तो वो बोली, नहीं ये क्या तुमने पूरी गाड़ी खरीद ली है? हमने कहा, नहीं गाड़ी नहीं खरीदी है माता जी। हम लोग बहस कर ही रहे थे कितने में उनकी बहू आ गई और बोली कि भाई साहब थोड़ा सा आप धीरज रखें, हमारा भी रिजर्वेशन है, हम आगे ले जाके माँ को बिठा देंगे। तब वो आई और वो ले गई उनको बिठाने और फिर वापस आके उनने हमको बताया। तो हमने कहा, क्या हो गया, वो इधर क्यों बैठ रही थी माँ जी? तब उन्होंने बताया कि ये हमारी सास हैं, अरे भैया बहुत परेशान किए हैं, ये है वो है और अनेक किस्म की बातें उन्होंने बताना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा, नहीं ये तो पूरी दुनिया की इस समय रीत और रिवाज चल रहा है कि सास और बहू के बीच में मधुर संबंध नहीं होते हैं। तो मैंने सहज ही उनको समझाने के हिसाब से कुछ बातें कहीं उनसे कि क्या समस्या है आप बताएं मुझको। तो उनने कहा कि सबसे पहले तो इनको मेरा काम पसंद नहीं आता, दूसरा हर काम में गलती निकालती हैं और अपने बेटे के लिए आगे आगे करती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं। तो मैंने कहा बस ये तीनों बातें? बोले हाँ लगभग ये तीनों बात ही हैं जो मुझको परेशान करती हैं। अच्छा अच्छा तो मैंने कहा, सबसे पहले तो आप ये पूर्वाग्रह मन से निकाल दें जो आपके मन में है। सास भी एक सामान्य प्राणी है, सामान्य महिला ही होती है। मैंने उनसे कहा कि आपके क्या ससुर साहब हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं ससुर साहब नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए माँ आपकी जो है, यानी कि सासु माँ है, वो काफ़ी अकेली हैं, ना तो उनके कोई दोस्त हैं, ना ससुर साहब हैं, ना ही कोई उनका जॉब है, ना ही कोई कार्य करती हैं, इसलिए वो अकेली रहती हैं। तो उनके लिए सिर्फ बेटा ही है, तो उनका बेटा उनका ही है और उनका ही रहेगा, ये सामान्य बात है। और आपका भी वो पति है, वो आपका ही रहेगा।
बाकी बस थोड़ी यदि समय देता है तो आप उसके लिए परेशान ना हो। उनके मन में यह भय होता है कि कहीं उनका बेटा आपसे दूर ना हो जाए, तो इस कारण से वो आगे आगे काम करती हैं, उसके आपसे अधिक उसके निकट रहने उनकी ज़रूरत भी है और वो चाहती भी हैं, कि क्योंकि उनका सिर्फ वो है, तो इसलिए वो दूर ना हो जाए, इसलिए वो आपके काम में कई बार गलतियां भी या त्रुटियां भी निकाल देती हैं। तो आप उसको सीरियस ना लें, उसको समझते हुए कि इनका जो एकाकीपन है वो इनको परेशान कर रहा है, आप थोड़े मोटे मन से, खुले मन से यदि आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इस रिश्ते में काफ़ी माधुर्य, काफ़ी प्रेम, स्नेह मिलने लगेगा एक सकारात्मक सोच के साथ। बहस किसी भी स्थिति में न करें, बहस से बचने की कोशिश करें। यदि कुछ गलत भी हो रहा है तब भी आप थोड़ा सा यदि शांत रहेंगे तो निश्चित तौर पे आगे जाके शांति बन जाएगी। अहम किसी भी चीज़ का घमंड ना करें, थोड़ी सी विनम्रता के साथ अपने व्यक्तित्व में विनम्रता को समाहित करें तो निश्चित तौर पे बिगड़ी बात भी बन जाया करती है। क्रोध 2 मिनट के लिए आता है लेकिन बहुत कुछ गड़बड़ कर जाता है, उस संबंधों में माधुर्य खत्म हो जाता है। तो संबंध अच्छे रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि विनम्र रहते हुए प्रणाम, नमस्कार और राम राम करने की यदि आप आदत विकसित कर लें तो आप ये मान के चलें कितना भी खराब व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो, यदि आप राम राम कर लेते हैं तो आप ये मान के चलें कि उसके मन का जो अहम भाव होता है वो घट जाता है और मधुर संबंध बन जाते हैं। यदि आपके संबंध अच्छे रहते हैं तो ये मानकर चलें आप कि आपको एक बहुत ही अच्छा साथी, एक दोस्त, एक सलाहकार, एक अनुभवी सलाहकार जो आगे चल के आपके बच्चों की देखरेख के लिए उपलब्ध होगा, यदि ये संबंध आप मधुर बना लेते हैं तो आगे आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है, क्योंकि आपके बच्चों को जो एक अनुभव जन कहानियाँ, एक प्यार जो आपकी माँ दे सकती हैं वो आया नहीं दे सकती है, वो स्कूल नहीं दे सकते हैं। जो बच्चे अक्सर स्कूलों में पढ़ते लिखते हैं या आया के हवाले रहते हैं वो अक्सर नशा और अनेक मानसिक दुर्बलताओं के शिकार हो जाते हैं। आपके तो पति हैं, आपका जॉब भी है, आपके बेटे भी हैं, आपके माँ बाप भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आप पूरे सामाजिक तौर पर जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए आप उनकी मनोभावनाओं को समझें। यदि वो आगे आगे करती हैं तो थोड़ा सा उनको कर लेने दें, क्योंकि आपका पति तो आपका ही है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका यदि आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे इन संबंधों में सुधार आ सकता है। नंबर 1, आपने माता जी आपने घर बनाने में बहुत मेहनत की है, मैं समझ सकती हूँ, आपने पूरे जीवन आपने इस घर को दे के बनाया है, आपसे मुझको बहुत कुछ सीखना है। भले आप सब कुछ जानती हैं, आप उनसे अधिक पढ़ी लिखी हैं, आप उनसे अधिक ज्ञान रखती हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक कहने में क्या फर्क पड़ता है। यदि संबंध आपको मधुर बनाने हैं तो आपको बड़े के नाते उनको ये कहना ही चाहिए कि हमको आपसे बहुत कुछ सीखना है। तीसरी बात, आप ये भी बोल सकती हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आपके पास तो पूरे जीवन का अनुभव है, आप सब कुछ जानती हैं। चौथा, अब जैसी भी हूँ माँ जी, आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मैं अब इस घर की हिस्सेदार हूँ, यानी कि मैं इस घर की हिस्सा हूँ, आपके परिवार का अंग हूँ। आपकी सोच आपके समय के हिसाब से थी, मेरी सोच मेरे समय के हिसाब से है, इस कारण से अंतर है। बाकी आप भी सही हैं और मैं भी सही हूँ, कोई यदि गलती हो जाती है मान लीजिए तो उसमें आप ये कह सकती हैं कि आपकी सोच उस समय के हिसाब से है माँ जी, अब समय बदल गया है। यानी संवाद से समाधान होता है, एक डेडिकेशन, एक समर्पण जब आप दिखाएंगी तो निश्चित तौर पे आपके घर का माहौल बदल जाएगा। एक शब्द ये भी है, पांचवा शब्द आप ये बोल सकती हैं, आप हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आप इस घर की मुखिया हैं, आप जो भी निर्णय देंगी वो हमको स्वीकार है। अब बहुत से लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये सब मीठी मीठी बात है, कहने में अच्छा लगता है, आप हमारी जगह पर होते तब आप समझ सकते, या मेरी जगह आप लेके देखें तब आपको समझ में आएगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है ऐसे लोग मिले। तो इस प्रकार से ये सब शब्दों में
केवल बदलाव करके एक सकारात्मक सोच जब आप विकसित करेंगे, तो सबसे पहले जब ये आपको समझ में आ गया कि आप वो अकेली हैं, तो आपके मन में कुछ उनके प्रति नरम रवैया आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके बदलाव आने लगता है। तो उनके जो चिड़चिड़ापन है या एक ओवर रिएक्शन करने की आदत है, वो इस कारण से है कि वो डिप्रेस्ड हैं, वो अकेली हैं इस कारण से। तो उनको साथ में लेके, साथ में रखकर आप बदलाव कर सकते हैं, धीरे धीरे घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। इन सभी बातों के साथ यदि कोई त्रुटि हो जाए तो खुले मन से स्वीकार करना चाहिए हमको, और यदि कोई समझ नहीं पा रहा है बात, तो संवाद के द्वारा आप समझा सकती हैं। वरना होता यह है कि सास और बहू झगड़े में, खासकर बेटे की बहुत अधिक परेशानी बन जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे, उसके दोनों ओर फर्ज होते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर आपको परिवार को स्वर्ग बनाना है यदि, तो सहयोगात्मक रवैया अपनाकर, सकारात्मक रवैया अपनाकर ही आप स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जो चाहत रखते हैं यदि वो कहेंगे तो निश्चित तौर पे वो भी एक सामान्य प्राणी हैं और वो आपकी बात समझेंगे। प्रशंसा करें, सकारात्मक रहें और सही सोच के साथ काम करें। अगली वीडियो में बहू की क्या अपेक्षा होती है सास से, तो सास को लेके चर्चा होगी साथियों। तो अगला वीडियो आप जरूर देखें। ये तीनों को लेके, यानी सामाजिक संबंधों में कौन कौन की अहम भूमिका और किस तरीके से हो कि संबंधों में सुधार हो, केवल ये सोच और दृष्टिकोण का फर्क है। तो इसी आशा विश्वास के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।